हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपडेट्स इंडिया। यदि आप भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की भर्तियां देखते हैं तो आपके लिए ये एक बड़ी अपडेट है। और यदि आप लग भी रहे हैं हरियाणा में किसी भी डिपार्टमेंट में HSSC के थ्रू, तो ये वीडियो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ी अपडेट हो चुकी है भर्तियों को लेकर के। हरियाणा में जो भर्तियां हैं उन पर लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। अब एक बड़ा नुकसान होने वाला है। किन किन छात्रों को नुकसान होगा, किन किन जो लगे हुए हैं उनको नुकसान होगा, पूरी डिटेल से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। और यदि आप चैनल अपडेट्स इंडिया पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए, क्या बड़ा नुकसान होने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब 12वीं पास ही रखें कलर्क स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट बनने की आस। सरकार ने सभी विभागों के लिए 10वीं से बढ़ाकर 12वीं की शैक्षणिक योग्यता, यानी एक बड़ी अपडेट कर दी है कि अब प्रमोशन के लिए यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी लग रहे हैं, यदि आप और कोई भर्ती में 10वीं पास से लग रहे हैं और आपका प्रमोशन कलर्क पे होने वाला है या स्टेनोग्राफर पे होने वाला है या स्टेनोटाइपिस्ट पर होने वाला है, तो अब आपका परमिशन जो आपका जो प्रमोशन है वो यदि आप 10वीं बेस पर हैं तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए, प्रमोशन के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। हरियाणा सरकार ने 10वीं पास युवाओं को एक बड़ा झटका दिया है। आने वाले समय में न तो वो सीधे लग पाएंगे जो 10वीं पास, सीधे कलर्क लग सकते थे, जूनियर या सीनियर स्टेनोग्राफर लग सकते थे, स्टेनोटाइपिस्ट लग सकते थे 10वीं बेस पर, लेकिन अब वो सभी भर्तियां किसी भी डिपार्टमेंट में 12वीं बेस पर निकलेंगी। पहले ये जो भर्तियां थी वो 10वीं बेस पर निकलती थी, लेकिन अब वो 12वीं पास पर निकलेंगी। और जो ग्रुप डी में कार्य 10वीं पास कोई कर्मचारी इस पद पर है तो उसका प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा। उसका प्रमोशन के लिए भी अब उसे 12वीं पास होना जरूरी है। पहले ये 5 विभागों में थी, लेकिन अब 15 दिन में ये सभी विभागों में हो जाएगी। और इसकी स्टेटस जो रिपोर्ट है वो हरियाणा सरकार ने मांग ली है। नया सर्विस जो रूल है, नया सर्विस रूल के तहत अब 12वीं पास हैं वो ही सीधे भी और प्रमोशन के द्वारा कलर्क, जूनियर और सीनियर स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट लगेंगी। यानी अभी एक बड़ा झटका लग चुका है उन छात्रों को या उन जो कर्मचारियों को जो 10वीं पे पास थे और उनका प्रमोशन होने वाला था, वो उनका वो प्रमोशन कलर्क या स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर पर, क्या तो वो सीधी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनको भी झटका है। साथ ही जो जिनका प्रमोशन होने वाला था उनको भी एक बड़ा झटका लग चुका है। अब उन्हें ये बड़ा झटका लग चुका है। और रीस्टोरर के जो पद पर थे उनका भी पहले प्रमोशन हो जाता था, लेकिन उनका प्रमोशन भी अब 10वीं बेस पर नहीं होगा। उनके लिए उन्हें 12वीं पास होना ज़रूरी है। तो यही एक जो सूचना थी, बड़ी अपडेट थी ये भर्तियों को लेकर के, जिसमें काफ़ी छात्रों को और काफ़ी कर्मचारियों को एक नुकसान हुआ है। यही सूचना आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर करनी थी। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल अपडेट्स इंडिया पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।